नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। असत्य पर सत्य की विजय, रावण का आज दहन हो रहा है, जिसकी तैयारियां काफी दिनों से चल रही थी। सदियों पुरानी ऐतिहासिक रामलीला में आज विजयदशमी के दिन श्री राम रावण का वध करने वाले हैं। राम की तीर चलते रावण का पुतला धू धू कर जल उठेगा। औरैया में दशकों से रावण का पुतला दहन होता चला रहा है। मेला प्रांगण में पुतला बना रहे अयोध्या प्रसाद बेनबंसल और साथी कारीगर मिलकर इस बारी पुतलों का अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। अयोध्या प्रसाद बेनबंसल का कहना है कि पहले पिताजी पुतला बनाने का काम किया करते थे, वो खुद कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। पीलीभीत में अधर्म पर धर्म की जय और असत्य पर सत्य की जय का प्रतीक दशहरा बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। आपको बता दें कि दशहरा, विजयदशमी, आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10वें दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पीलीभीत में भी ये विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला बनाने वाले कारीगर भारत का भी साफ तौर से कहना है कि ये काम मेरे लिए पूर्वजों से होता हुआ चला रहा है। अब तक वो इस तरह के पुतले बनाते आए हैं। आप बता दें कि देश भर में दशहरे की धूम है। रावण दहन बस कुछ ही मिनटों में होने वाला है। आगे बढ़ते रुख करेंगे अगली खबर का। गोंडा जिले में आज पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे। सपा कार्यालय में सपा के नेताओं ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। सपा कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रावण के पैदा होने पर सवाल उठाए और कहा कि जैसा कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, तो दुनिया में 10 सिर वाला बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? रावण 10 सिर के साथ कैसे पैदा हुआ होगा, यह अपने आप में सवाल छोड़ जाता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने पर कहा कि एक आदमी को प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति बनाकर पूरे समाज पर शिक्षा से वंचित कर अत्याचार करना, सरकारी सेवाओं से दूर रखना, मोहताज और जिंदगी जीने से मजबूर रखना, ये बीजेपी की चाल है। उनके दिल में दलित प्रेम के लिए कोई प्रेम नहीं है। साथ ही साथ दलित प्रेम वोट का लालच है, छलावा है, नौटंकी है। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर के रूप में चल रहा बड़ा सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। बता दें कि इसमें लोगों की शादी कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूली जाती थी। माफ कीजिएगा, यहां पर एक झांसा इसलिए दिया जाता था शादी के नाम पर, फिर गिरोह के लोग पैसे लेकर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते थे। ये शादी कराने वाला कॉल सेंटर एक युवक से 4000 रिश्ता कराने के नाम पर वसूलता था और उसके बाद सर्विस देने की बजाय बात करना भी बंद कर देता था। ऐसा ही मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आया, जहां युवक ने कॉल सेंटर की शिकायत थाना सिविल लाइन पुलिस से की और पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर से सरगना सहित 7 महिलाएं 3 अक्टूबर 2022 की शाम को गिरफ्तार कर ली गई, जो कि देर रात तक थाना सिविल लाइन में महिला रूम में बंद थी। अलीगढ़ में फ्रॉड करने का गरीब मामला सामने आया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन 420 के अंतर्गत साइबर सेल तथा क्षेत्राधिकारी द्वितीय और तृतीय के द्वारा सिविल लाइन थाने तथा गांधीपार्क थाने में चल रहे 2 कॉल सेंटरों को पकड़ा गया है, जिसमें कार्यरत महिलाओं द्वारा विभिन्न पैकेजों का लोभन देके लोगों को ठगा जाता था और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी सर्विस नहीं दी जाती थी। इसमें टोटल मिला के सिविल लाइन में 8 अभियुक्तों को मैं 6 CPU, 8 मॉनिटर, 1 प्रिंटर, रजिस्टर, राउटर और 6,300 रुपये गिरफ्तार किया गया। एक तरफ जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही से प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। सिद्धार्थनगर में ये सेवा अस्पताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जिले में बांसी कोतवाली के सोनकर चौराहे पर करीब 2 सालों से NH-28 पर अवैध तरीके से ये नर्सिंग होम चल रहा है। जिम्मेदार की नजर इस पर अब तक नहीं पड़ी। आज सुबह प्रसव के दौरान महिला और बच्चे की मौत हो गई तो परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। गुलहार थाना क्षेत्र के पछर की निवासी वो बताई जा रही है, जहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी लगाया गया।
बाराबंकी के विकासखंड रामगढ़ की ग्राम पंचायत बिरौली में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए विरोध जताया कि बिरौली में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिसमें मानक को दरकिनार कर कार्य कराया जा रहा है, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने गांव के प्रधान राकेश और पंचायत सचिव से शिकायत भी की गई पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। द्रौपदी का टांडा पर्वत चोटी पर हुए हिमस्खलन की दुखद दुर्घटना में लोथरू गांव निवासी उभरती हुई पर्वतरोही एवरेस्ट विजेता बीटी सविता कंसवाल उसी क्षेत्र की भुक्की निवासी नवमी रावत सहित अन्य प्रशिक्षक पक्षियों के मौत होने की खबर मिली है और इस उन्हार और बहादुर बालिका ने माउंट एवरेस्ट और उसके समक्ष पर्वत चोटियों को फतह कर दुनिया में उत्तरकाशी का नाम रोशन किया, लेकिन होने के आगे सब विफल हैं और उत्तरकाशी ने आज अपना भरता हुआ चमकता हीरा खो दिया है। इस दुखद क्षण में उनके माता पिता और परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हुआ। बता दें कि पौड़ी गढ़वाल जिले के बौरीखोल इलाके में करीब 45 से 50 लोगों को ले जा रही एक बस खाई में जा गिरी। बस दुर्घटना में 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाकर 21 लोगों को बचाया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक कोटद्वार रिकणी खाल बौरीखाल मार्ग पर सिमड़ी के पास बरातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पूर्वी नायर नदी की घाटी में जा गिरी। हादसा मंगलवार देर शाम 7 बजे का है। बस में 45 से ज्यादा बराती सवार थे। रात भर पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान चलाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही मोर्चा संभाल लिया था। वे रात में ही राज्य सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं आज सुबह वो घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने वहां के लोगों से मुलाकात की और जिला प्रशासन के अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम धामी को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। लोगों ने क्षेत्र में बदहाल सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं पर नाराजगी व्यक्त की। महाराज अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन समाज के लोगों ने नगर में बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकाली। रिलायंस पेट्रोल पंप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने शोभा यात्रा को हरी दिखाई। कैबिनेट मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक का केंद्र रही बैंड बाजों के साथ बहुत ही सुंदर खटीमा मार्ग होते हुए शोभा यात्रा अग्रसेन ट्रस्ट पहुंची। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि समाजवाद के प्रवर्तक अग्रकुल शिरोमणि अग्रसेन जी के बताए मार्गों पर चलकर ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा और समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। महेश मित्तल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी ने एक रुपया और एक ईंट के माध्यम से समाज के निर्बल वर्ग को भी बराबर का सम्मान देने के लिए जागरूक किया। समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जिन्होंने महाराजा अग्रसेन जी की यात्रा की गोदी निकाली और उन्होंने अपने रिवाजों के हिसाब से उन्होंने अपने संस्कृति के हिसाब से आज पूरे शहर में गोदी निकाली और अच्छी बात है। अपने अपने, अपने, अपने संस्कृति पे अपने प्रतिनिधियों पे लोगों को हमेशा गर्व होना चाहिए। उसी पे महाराजा अग्रसेन जी जो है बहुत विशाल व्यक्ति थे, बहुत विराट और उन्होंने सम्मानित किया गया है। पूरे समाज के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ और मैंने भी कोशिश करी कि आज मुझे है कि महाराज अग्रसेन जी मैं अपनी तरफ से उत्तरकाशी के भाटपाड़ी ब्लॉक में द्रौपदी का टांडा के नाम से जाने जाने वाली पहाड़ी जिसमें एनआईएम की तरफ से आयोजित ट्रैकरों को भेजा गया है, जिसमें टीम एक एवलॉन्च के आने से फंस गई जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस टीम में से 40-41 सदस्य जो फंसे उनमें से 14 सदस्यों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया, जिन्हें आईटीबीपी कैंप माकली सुरक्षित पहुंचाया गया है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें घायलों की सूची भी जारी की गई है। पौड़ी के बौरीखाल ब्लॉक के सिमडी बैंड के पास भीषण सड़क दुर्घटना में 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 8 गंभीर घायलों को कोटद्वार बेस अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक घायल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। भीषण सड़क दुर्घटना में 15 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस की मदद से कोटद्वार बेस अस्पताल पहुंचाया गया। हरिद्वार जनपद के लालगढ़ गांव से दुल्हा सहित बाराती दुल्हन लेने बौरीखाल ब्लॉक के कांडातल्ला पर गांव दुल्हन लेने जा रही थी कि 48 बारातियों से भरी बस बौरीखाल में सिमडी बैंड पर नियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। जो यह हादसा हुआ है ये ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही थी क्योंकि तेज गति में जो गाड़ी बैंड जो क्रॉस किया तो बैंड पे अक्सर होता है कि जब गाड़ी तेज गति में रहती है तो झोंक मारती है, तो इसी में ये दुर्घटना हुई है। बाकी दुर्घटना का कारण कुछ ऐसा है नहीं कि जो नॉर्मल तरीके से जो दुर्घटना हो सके। क्यों स्पॉट पर मैं पहुँच नहीं पाया क्योंकि मैं डीएम साहब से भी इस विषय में वार्ता कर चुका हूं कि महोदय आप तत्काल वहां पे जाके मतलब घटना का स्थल का मतलब निरीक्षण करिए और उचित से उचित जानकारी हमें दीजिए।
बस्ती में सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव ने सपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गा माता के समक्ष सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के स्वस्थ होने के लिए पूजन अर्चन किया। मुलायम सिंह की फोटो रखकर दर्जनों सपा कार्यकर्ताओं ने पूजा पाठ किया। माता दुर्गा के इस पावन पर्व पर बस्ती जिले में लगातार देवी माता के मंदिरों में सदर विधायक सहित पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने अपने नेताजी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ दीर्घायु के लिए हवन पूजन किया है। सोनभद्र के ओबरा में देर रात नवमी के मौके पर डेलिस होटल में डांस क्लब की संचालिका आरती बेजपे के नेतृत्व में डांडिया और गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों ने हिस्सा लिया। देर शाम तक गरबा का कार्यक्रम चलता रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किरण माना ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपील की है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सोशल मीडिया में बयानबाजी करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कहने के बजाय पार्टी के उचित फोरम में ही रखी जानी चाहिए, ताकि पार्टी संगठन की मर्यादा बनी रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है, पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने एक बार उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की कार्यशैली पर सवाल किए। प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के हार के बाद से देवेंद्र यादव नदारद है, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं ने अच्छा संदेश नहीं जाता। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के हार के बाद से ही देवेंद्र यादव बहुत कम सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र यादव उत्तराखंड दौरे पर भी बहुत कम आ रहे हैं। इस बारे में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में हार जीत चलती रहती है, वो 6 बार से विधायक हैं, लेकिन हार के बाद कभी निराश नहीं होना चाहते, उससे पूरा दल संशय की स्थिति में आ गया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हार हुई है तो ऐसे में दोगुने उत्साह के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को उत्तराखंड आना चाहिए और कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।